नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। अभी मैं इस समय रोड नंबर 65 जनता कॉलोनी मुस्कान चौक पे हूँ। आज की कहानी ये 7th ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है और इस समय मैं जुड़ा हुआ हूँ इन लोगों से जो रास्तों के बगल में आप देखते होंगे क्यों रहते हैं। क्या रविंद्र आप दिखा सकते हैं कैमरा उस साइड? हम आज एक अलग कहानी दिखा देते हैं आपको, जो इन लोगों का लाइफ में क्या होता है, जो ये कारोबार लोग जो करते हैं, जो ये सब बिक्री करते हैं अपना, इनके लाइफ में सुनिए कि दिवाली में हक लोग इनसे क्या खरीदने आते हैं कि नहीं आते हैं। ये कहानी बताना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो इसमें मेरे साथ, नमस्कार, इसमें मेरे साथ जुड़ी हुई है रोशनी जी और बिरजू जी। जी नमस्कार, मैं चंदन और हमारे साथ कैमरा में जुड़े हुए रविंद्र, मेरा दोस्त है। हम दिल्ली विश्वविद्यालय से आए हैं। पंडित जी, हमारा आने का मेन मकसद ये है कि हम लोगों के लाइफ, लोगों के जीवन ही दिखाते हैं कि कितना उन्हें मुश्किल होता है लाइफ में और आपका एक कारोबार लेके क्या होता है। देखिए, बड़ा लोग का घर में क्या दिवाली में दीप जलता है, आपके घर में क्या दीप जल रहा है कि नहीं जल रहा है, ये मेरा काम है देखना। समझ रहे बात को? ये फर्क होता है। आप कैमरा उस पर फोकस करिए थोड़ा सा, वो बिल्डिंग दिख रहा है आपको, उसमें दिया जल रहा है, देखिए भाई यहाँ, लेकिन दिया नहीं जल रहा है। रविंद्र थोड़ा और फोकस को करना, पीछे में यहाँ आपको कोई दिया नहीं दिखेगा। तो ये फर्क क्यों दिख रहा है आपको? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, हर जगह ये बताना बहुत जरूरी है कि ये दिया क्यों नहीं जल रहा है घर में। तो रोशनी जी, ये लोग राजस्थान से आए हैं, ये लोग इस कारोबार में कम से कम 25 साल से जुड़े हुए हैं। दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 25 ईयर्स एंड दे आर फ्रॉम राजस्थान। तो रोशनी जी, आप बताइए कि आपका जिंदगी में क्या क्या परेशानी होती है? पानी की, पानी नहीं है हमारा, वो देख के बताइएगा। पानी नहीं आता यहाँ पर, और ये क्या नाम, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई का पैसा वैसा नहीं है। अरे वो आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है। और शौचालय के बारे में बताइएगा, शौचालय तो बाथरूम के, सरकार तो बहुत कुछ बोल रही है कि ये हो गया, बंद हो गया, आप बताइएगा जिंदगी असलियत में क्या होता है, आप बताइए। शौचालय नहीं है, बाथरूम का, लेटरिन का इतवार को बंद रहता है, बड़ी दिक्कत रहती है हमें, कभी खुलता है कभी नहीं खुलता शौचालय, हमें दिक्कत हो जाती है ज्यादा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सामने में एक हमारा राशन कार्ड भी नहीं है। हाँ, यहाँ पर सामने में एक बाथरूम है ना। हाँ, लेकिन वो क्या होता है कि उन्हें यूज करते हैं बट संडे को बंद रहता है, बंद रहता तो इनका है। इनको और इनके बच्चों को हर समय रास्ता पार करके, हाँ, यहाँ पर सामने वेलकम मेट्रो स्टेशन है, वहाँ जाके इनको 5 बच्चों का 5 मेंबर जाते हैं, 25 रुपए लेते हैं। अब 25 रुपए उनको दे देंगे तो रोटी कहाँ से बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे। अच्छा, आपका कितना होता है एक दिन का आमदनी या महीने में आता है, कितना होता है? एक दिन में आमदनी हो जाती है 500-400, 200-300 वही खर्चा बस एक दिन का। आप दिल्ली में कोई रेस्टोरेंट में जाइए एसी वाला में, बिरयानी का दाम ही 300 रुपया है, 300 रुपया और आपको कमाते हैं 300 रुपए, मतलब डिफरेंस देखिए आप, खाने का प्लेट खाइए कुछ भी 300 रुपया है। तो महीने में आपका कितना होता है रोजगार, मान लेता हूँ मैं 10-12 हजार। अब उसमें से लाइट का बिल देना पड़ता है आपको, उसमें सब कुछ खर्चा है हमारा, चाय का, रोटी का, पानी का, चाय का, बच्चों का। और इनका बच्चा 12 हजार में क्या कर सकते हैं हम? और इनका बच्चा भी बता दो आपको दर्शकों को, इनका बच्चे भी पढ़ाई इनको छोड़ना पड़ा बच्चों को, क्योंकि हमारी पैसा... लड़की हो रही है 16 साल की, उसकी शादी वादी करेंगे तो इतना खर्चा हम कहाँ से लाएंगे? तो इस समय मैं बता सकता हूँ कि ये आता है आपका ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर, EDMC के अंदर। तो हम इनको भी टैग करेंगे जरूर ट्विटर में, और जहाँ भी हमसे हो सके हम रिक्वेस्ट करते हैं कोई भी हमारा चीज़ को देखे, समझे, इनसे आके बात करे, क्योंकि नेता लोग तो आता है वोट लेने के लिए, आता है मैडम वोट लेने आते हैं, कहते तुम्हारे को वो दिलवाएंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं करवाते हमें, करवाएंगे पानी की सुविधा, करवाएंगे राशन कार्ड बनवाएंगे, कुछ नहीं बनवा कर दिया है। अच्छा, इनका हम दिखा देता है घर को लेके, इस तरह बाजार रविंद्र, इनका घर को देखिए, अब ये इनका घर है, एक बड़ा हमारा बिल्डिंग दिख रहा है, कहाँ है बिल्डिंग है देखिए, वो पीछे में देखिए बिल्डिंग, ये आगे है, ये आइए अंदर आओ रविंद्र, वो भी दिखा दो, इनका ये सब कारोबार चलता है दिन भर में, इनका जितना भी गर्मी हो क्यों ना हो चलता रहता है, अंदर आओ, ये है इनका घर, ये एक छोटा सा लाइट, पढ़ने का टेबल वेबल कुछ नहीं, बस ये दो बिस्तर, यहाँ बर्तन, इनमें इनको चलाना पड़ता है अपना रोजगार जो भी है। तो ये बहुत सोचने वाला चीज़ है, आज हम किस दिशा में जा रहे हैं, कौन सा कितना इकोनॉमी का क्या ट्रिलियन है, क्या सोच रहे हैं, बहुत जरूरी है ये सब सवाल पे गौर करना, क्योंकि ये हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएंगे। और आप ये भी बता रहे थे कि पानी की समस्या है, तो पानी वाले कहाँ जाते हैं? पानी वाला यहाँ गाड़ी आती है ये रैन बसेरे में। अच्छा, वो कभी भरवाते कभी नहीं भरवाते, कभी रात में आ जाता है कभी दिन में आ जाता, हम पानी नहीं भरते कभी नहीं आता, आज पूरे दिन में टाइम से आता नहीं है, कभी आ जाता है कभी ना आता है। तो टीवी भी देखते हैं आप लोग? टीवी टीवी देखते हैं? टीवी में क्या क्या देखते हैं? कुछ नहीं देख रहे अभी तो, टीवी ना है हमारा, टीवी देखने का मन भी करता है उसमें, तो क्या क्या चलता है आजकल टीवी में, फालतू का मुद्दे, ऐसा मुद्दे कभी देखता है टीवी में आप लोग? कभी 25 साल में कभी टीवी वाला यहाँ पर आया है? नहीं आया, टीवी वाला नहीं आया, नहीं आया टीवी वाला, कोई नहीं आया, ये आप आए हो आज, आज हम आए, हम भी बस उम्मीद रखते हैं कि हम भी ग्राउंड रिपोर्ट का थ्रू दिखाना चाहते हैं लोगों को, कितना इम्पोर्टेंट है दिखाना लोगों को, कितना जरूरी होता है। अब ये
दिवाली आई है, हमारे बच्चे मुंह देखेंगे मिठाई विठाई के लिए, हमारे पास पैसा नहीं है मिठाई का। अच्छा आंटी जी, और एक लास्ट प्रश्न पूछ देता हूँ। आप क्या बोलता है, पेट भर के खाना खाते, तीन टाइम खाना होता है असली बताइए। हमने एक टाइम खाना खाया, अभी लूखी रोटी खाई नमक डाल के, यहाँ पर खाना पकता है। ये खाना तो आप लोग वो सरकार तो देता है ना, गैस वैस वो सब नहीं है आप लोगों का? गैस वैस नहीं मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, ये आग में ही, आग में चूल्हे में, धुएं में रोटी बनाते हैं, धुएं में रोटी बनाते हैं चूल्हे में। अच्छा, अब हमारे बच्चों के लिए थोड़ी बहुत मिठाई दे भेजो, हमारे बच्चे ऐसे बैठे हैं बिना खाए। देखिए हमें पता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, जो लोग देख रहे हैं वीडियो, फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी आइएगा इस रास्ते का तरफ, जनता कॉलोनी, और हमने भी इनसे खरीदा है दिवाली के अवसर पे, ये एक रोटी वाला, ये क्या दाम कितना है इसका? चकला, ये 250 रुपए का है ये। हाँ। ये क्या है, इसको क्या बोलता है? करैया, ये भी हमने खरीदा है, कहीं ना कहीं हम भी काम में लगाएंगे इसको। और ये क्या तवा, है? तवा रोटी बनाने का 250। तो ये सब कभी आइए, आप लोग भी खरीदिए ये सब। अगर आप जाएंगे कहीं रेस्टोरेंट में दिल्ली में, कोई भी ऐसा निकलता है, 1000 रुपए का बिल निकलता है आपसे। हमारा बिल कितना हुआ इसमें? 700 का बिल हुआ है। तो क्या है फर्क, कहाँ पड़ता है 700? तो आजकल कहीं भी लोग कहीं भी रहते हैं, ऊबर ओला में खर्चा करते हैं, ये कहीं भी। तो हमसे वही रिक्वेस्ट है कि मुझे पता है आप लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, जो हमारा दोस्त लोग, आप लोग आइए कभी मिलिए इन लोगों से, ये सब खरीदिए, कहीं ना कहीं तो आपको उजगार होगा। और सामान देख रविंद्र, वीडियो का समाप्त करते हैं हम लोग, बस दिखा दो एक बार लास्ट क्या क्या सामान बिकता है इनके पास, ताकि लोग आए इनके पास कुछ खरीदे दिवाली के त्यौहार पर, ये धनतेरस जो भी होता है, छोटा दिवाली। चलिए आप भी आखिरी में कुछ बोलना चाहेंगे, एक मिनट और कुछ भी बोलना चाहेंगे वीडियो समाप्त करने का पहले? यही है ना, हम बोल रहे हैं हमारे बच्चे बच्चे भूखे प्यासे रहते हैं, कोई बच्चों के लिए कुछ चाय पानी का जुगाड़ करवा दो, बच्चों के कपड़े उपड़े नहीं है त्यौहार पर पहरे के कारण हो रहा है। तो आंटी जी मुझे बताइएगा, रोशनी जी, ये जो गर्मी में, जब गर्मी होता ना दिल्ली में अप्रैल का महीना में या मई का, तब कैसा होता है गर्मी, तो आप लोग बिक्री कर पाते हैं सब सामान? बिक्री कर सकते हैं, अंदर बैठ के बाहर बैठ के कर लेते हैं बिक्री है। तो बहुत गर्मी होता है, बहुत गर्मी होता है, और यहाँ तो एसी उसी फैन भी तो उतना वो सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, एसी उसी कुछ नहीं है। और बारिश होने से, बारिश होने से तब क्या करते हैं, तब काम चलता है? वजह से बैठ जाते हैं छप्पर ऊपर करके, पन्नी डाल के बाहर ऐसे बैठ जाते हैं, बाहर ही बाहर बैठ जाते हैं, पेट तो जरूरी भरने पड़ते हैं। हाँ, ये जलवायु परिवर्तन होता है तो शायद मेरे हिसाब से इनको बहुत दिक्कतें आती होंगी। अब बरसात में इनके पास सिर्फ बरसात ही है, उसके नीचे बैठना और ये सब सामान सेल करना, आई थिंक दिस इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत आसान नहीं है, आसान नहीं है। आप ये देखे होंगे, ये जो परिवर्तन आ रहा है, अचानक से आ रहा है, पहले नहीं था ऐसा, बारिश से अभी तो ऐसा अचानक से चेंज हो रहा है, आप भी फील किए होंगे ना? और दिस इज सेम फॉर समर, समर में भी बहुत दिक्कतें आती होंगी। चलिए, ओके, थैंक यू।